अब हम घर की तरफ, अब घर हमारा पास ही आ गया, घर दिखने लग गया, धूप भी लग रही है। बन चुकी है मेरी रोटियां आज भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोड से। मैं जा रही हूँ घास के लिए अपनी ताई के साथ। मैं और ताई जा रहे हैं घास के लिए, देखूँ कोशिश करूँगी थोड़ा सा घास निकाल दूँ, होता तो नहीं है। ये देखो ताई लेके आएगी पत्ते। सुबह से टाइम नहीं मिला ब्लॉग भी स्टार्ट करने का, क्योंकि सुबह 8 निकालो मतलब गोबर गाय के नीचे से निकालना पड़ता है जो भी पत्ते होते डाले थे, फिर कपड़े वगैरह धोए, खाना वाना बनाना बहुत टाइम हो जाता है ऐसी। तो अब हम जा रहे हैं, देखो ताई की टोपी, देखो ताई घर मेरी टोपी, कोई बात नहीं, आगे स्टाइलिश टोपी है ना, नेपाली टोपी। आगे दिखाती हूँ आपको, नेपाली के साग सीख रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं, यह है रास्ता, आग खतरनाक जला रखी है। ये देखो कितनी लकड़ियाँ काट के रख रखी है, इतनी इन्होंने, इतनी हमारे घर में भी नहीं है लकड़ियाँ। चल रहे हैं फ्रेंड्स, और ठंडा भी बहुत हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, धूप का तो नाम नहीं है, पाला जैसा पड़ा हुआ है आज तो। अभी तो कमी है फिर भी बहुत पाला पड़ता है। ताई कह रही मुझे नहीं दिखा रही है, बोल तू देखो ताई को देख लो। चलो तब दिखाती हूँ आपको, रास्ता तो वही है जहाँ उस दिन मैं पत्तों के लिए गई थी, बस देखते घास किधर मिलता है। कैसे झाड़ी झाड़ियों में चल रहे हैं, ऐसे करना पड़ता पहाड़ों में, बाप रे। कहाँ मैं गिर जाऊंगी, ताई बोले तब हो जाएगी वीडियो पर। हाँ हाँ, उसी ऊपर जा रहे और पता है यहाँ क्या करते हैं, अकेला अकेले भी आ जाते, इनको कोई डर नहीं लगती। अभी तो मैं आई नहीं, तो मैं नहीं आती तो इन्होंने अकेले ही आना था। हाँ, इतना घास मैंने रेडी कर दिया काट के, इतना घास तो कर दिया है मैंने रेडी काट के, अब आगे का देखती हूँ क्या करूँ। मैं कहीं दिख भी नहीं रहा, सुखो सुखो रहा। हाँ हाँ, ताई भी लगी हुई है पत्ते सोने में, इतना घास हो गया है, अब मैं ऊपर कहीं देख थोड़ा मिलता है तो। और है नहीं पूरी झाड़ी झाड़ी, इसमें रास्ता बना के जाना पड़ता है घास काटने के लिए। अब इधर तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी घास, देखो सब सूखा पड़ा है ये। चलो देखते हैं और जगह कहीं। और पता है मैं क्या सोचते सोचते मतलब घास वगैरह काट रही हूँ, कौन सा सॉन्ग सुन रही हूँ मैं वाला, हफ्ते में एतवार के दिन टेलीफोन करिए मेरी सुबह वाला सॉन्ग सुन रही हूँ मैं, है ना। तो उसको सॉन्ग को सुन सुन के थोड़ा अच्छा लगता है मन को, तो मैंने फ़ोन में लगा रखे वो गाने सुनते सुनते घास काट रही हूँ, थोड़ी फीलिंग ही आ रही है कि चल कोई नहीं, चलो कंटिन्यू सुनती हूँ गाने और काटती हूँ घास। ने निकाल दिया घास, अब ताई इसको रस्सी में बांध रही है, ताई ने भी ये पुले में निकाला है, इसके पत्तों के ऊपर ये भी ले जाएगी। ऐसे काम है, ज़्यादा मेरी बस की है नहीं इतनी है, तब देखते हैं। बांध के चलते हैं घर की तरफ, और देखते हैं घर में मन्नू भी रो रहा होगा, कह रहा होगा मम्मी 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 कहाँ गई, दिख नहीं रही है, वो रो जाता है। तो चलो चलते हैं घर की तरफ, फिर हम थोड़ा अभी ताई बांध रहे, तब उसके बाद चलते हैं। तो जरा ताई का इतना बड़ा ये लारखी है, अपना घास भी रेडी कर रही है इसको ऊपर बांधने के लिए, मेरा इधर है। हम चल रहे घर की तरफ, हो गया मेरा रेडी, जा रही हूँ। चलो दिखाती हूँ, अब यहाँ से गिरने का रास्ता, इसलिए अब मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ताई के पीछे पीछे जा रही हूँ मैं, अब हम घर की तरफ, अब घर हमारा पास ही आ गया, घर दिखने लग गया, धूप भी लग रही है, भारी भी हो रहा। ताई कह रही जल्दी आ, भारी हो रहा है। आ गई मैं अपने घर की तरफ, ये चुप रही है यार ये रस्सियाँ, देख लो
फोन भी हिल रहा है मेरे हाथ से क्योंकि चलने में ना, और सांप भी नहीं आ रहा, रस्सियाँ भी चुप रही हैं। चलो अब घर जाके दिखाती हूँ, घर जाके क्या क्या करते हैं। नहाना है मैंने घर जाके, ये घास पत्ते ला के बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती बॉडी में, तो नहाऊंगी, पूरे दाने दाने हो जाते हैं। ये जाल लिया आगे ताई मेरी, ये ला गई घास, रख दिया मैंने अपने गोट में, ये पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। आज यहाँ से हमने आड़ निकाली थी, नई पत्ते बिछाए हैं। अब चलती हूँ घर की तरफ, चलती हूँ, अभी बहुत दर्द कर रहे हैं, थक गई हूँ, अब नहाऊंगी धोऊंगी, गर्मी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं घर की तरफ। रखा है मैंने आटा भी, यहाँ डालते गए इसका आगे की फ्रंट है, तो आटा किस पे रखा है। अब मैंने भी नहा लिया है, और नहा धो के थोड़ा आटा पीस रहे हैं, और अभी भात भी खा लिया मैंने, बर्तन धोने हैं, तो आटा पीस रहा है अंदर, गेहूँ पीस रहा है, सॉरी आटा नहीं पीसे, गेहूँ पीस के ही आटा निकलेगा। दोनों को मैं ऐसे झूला झुलाती हूँ, तब जरा खेलते हैं दोनों दोनों बांदर। ए बंदरिया, बन चुके हैं मेरी रोटियां। आज बनाई हमने मडवे की रोटी, तो ये थोड़ी कच्ची कच्ची टाइप की लगती है, आग भी बुझ गई। आज बन रही हमारी मडवे की रोटी। आज नए साल के दिन हमने कहा कुछ घर का, ये बन गई है। दिखने में काली होती है लेकिन सेहत के लिए हेल्दी होती है। सो फ्रेंड्स, मेरा डिनर वगैरह हो चुका है, तो मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज साल का लास्ट दिन भी है, 31 दिसंबर है, तो अकेले अकेले विश वो सेलिब्रेट वगैरह तो कुछ कर नहीं रहे, बस डिनर वगैरह कर लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना और बहुत सारा मतलब खुश रहना, जिससे हमारा आने वाला साल 2023 हैप्पी हैप्पी जाए। तो बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। और जिसने हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।